ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से बूथ के सामने लंबी लंबी कतारें हैं और महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अपने आप में ये भी बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो है सुबह सुबह निकल गई हैं वोट डालने के लिए, पहले वोट उसके बाद कोई और काम। यही अपील प्रधानमंत्री ने भी की है, बाकायदा उन्होंने बंगाली में भी ट्वीट किया है और इंग्लिश में भी ट्वीट किया है और लोगों से कहा है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी वो निभाएं और इस मतदान में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लें। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि दूसरे चरण में इस बार क्या कुछ खास है, किस पार्टी के कौन से लोग और कितने उम्मीदवार उतरे हुए हैं मैदान में। देखिए बंगाल में दूसरे चरण के उम्मीदवार ममता बनर्जी यहां पर उतरी हैं, यहां 30 सीटों पर दूसरे चरण में आपको हम बता दें कि मतदान हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी नंदीग्राम से उतरी हुई हैं। अगर हम बात करें बीजेपी तो बीजेपी भी यहां पर 30 सीटों पर है, लड़ रही है चुनाव लेफ्ट से 19 और कांग्रेस 9 सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ रही है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि पुरुष यहां पर मतदाता 152 है, दूसरे चरण के जो प्रत्याशी है वो आपको हम बता रहे हैं 152 प्रत्याशी है और महिला प्रत्याशियों की संख्या 19 है, यानी कि 19 महिला प्रत्याशी है और 152। अभी तक सिचुएशन ठीक नहीं, ठीक ही है और एक बूथ में मशीन का गड़बड़ी हुआ, मशीन का गड़बड़ी हुआ है। अच्छा कोई और मतलब कोई 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 आपको सिस्टम से समस्या नहीं, मशीनरी की समस्या नहीं है? अब तक सब आधा घंटा हुआ, अभी आधा घंटा हुआ है। लेकिन आपने कहा विकास मुद्दा है, तुष्टिकरण की बात आज आपने नहीं कही, आज आपने कहा कि विकास मुद्दा है। ना तुष्टिकरण तो तुष्टिकरण के खिलाफ ही वोटिंग हो रहा है, साथ में लोग का उम्मीद विकास को लेकर। तो साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी यहां पर वोट डालने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकास जो है वो मुख्य तौर पर मुद्दा है और इसी बात को लेकर इस बार की जो जनता है पश्चिम बंगाल की वो इसी बात को लेकर के वोट डाल रही है। तुष्टिकरण की राजनीति, हालांकि उनको उन्होंने हल्के में आज कहा कि तुष्टिकरण की ठीक है राजनीति भी हो रही है लेकिन विकास मुख्य तौर पर मुद्दा है जिसको लेकर आज पश्चिम बंगाल की जनता वोट कर रही है। तो आपको हम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं असम और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से दूसरे दौर में मतदान हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 30 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, साथ ही साथ असम में 39 सीटों पर मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो मुख्य तौर पर यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी वर्सेस टीएमसी ही है और अगर असम की बात करें तो यहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और उनका जो पूरा गठबंधन है वो तमाम लोग जो है वो है।